हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम फरहान लईक है और आप देख रहे हैं फिजिक्स ग्लोरी। तकरीबन सिक्स ग्रेड से हम फिजिक्स को एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं। हम इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। आखिर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका क्या रोल है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस की डेफिनेशन है, साइंस इज़ अ वे टू नो, यानी ये जानना कि कोई काम किस तरह हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और सर्टेन सिचुएशंस के अंदर उसका बिहेवियर क्या है। साइंस ही की एक ब्रांच फिज़िक्स है, जिसके अंदर हम मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, यानी डिफरेंट कंडीशंस के अंदर इनका क्या बिहेवियर है, और इसी की बेसिस पर हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में इनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिज़िक्स का गोल ये जानना है कि हाउ द यूनिवर्स बिहेव, यानी कायनात आज जैसी है वैसी क्यों है और इसका पॉसिबल फ्यूचर क्या होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि फिज़िक्स नेचुरल साइंसेज की सबसे वास्ट और मोस्ट डाइवर्सिफाइड फील्ड है। स्टोव पर खाना पकने से लेकर रॉकेट साइंस और कॉस्मोलॉजी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें फिज़िक्स इन्वॉल्व ना हो। परिंदों से लेकर हंड्रेड्स ऑफ टन्स के एयरप्लेन किस तरह हवा में उड़ते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर GPS सैटेलाइट किस तरह हमारी एग्जैक्ट लोकेशन को कैलकुलेट कर लेती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से किस तरह हमारे पंखे चलते हैं, गर्ज ज़िंदगी की कोई एक चीज़ ऐसी नहीं जिसमें फिज़िक्स किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व ना हो रही हो। वैसे तो फिज़िक्स की ब्रांचेस की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ मैं चंद बड़ी ब्रांचेस का डिस्कस करूँगा। नंबर वन है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम विद और विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट किस तरह मूव कर रहा है या अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो वो किस तरह मूव करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स भी मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम उसे किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर आती है थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर हम हीट एनर्जी के साथ साथ एनर्जी और वर्क के रिलेशन को स्टडी करते हैं। इसमें हम डिफरेंट मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन को भी डिस्कस करते हैं। नंबर थ्री पर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि फिज़िक्स की एक ब्रांच होने के साथ साथ यूनिवर्स की चार फंडामेंटल फोर्सेज में से एक फोर्स है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ और इनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। नाउ ऑप्टिक्स की बात की जाए तो इट डील्स विद प्रोपिगेशन प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट, यानी लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस तरह बिहेव करती है और वो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर किस तरह ट्रैवल करती है। फिज़िक्स की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस में से एक ब्रांच पार्टिकल फिज़िक्स भी है। पार्टिकल फिज़िक्स के अंदर हम यूनिवर्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वार्क्स, फोटॉन्स, इनके बिहेवियर, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। फिज़िक्स की एक और अहम ब्रांच एस्ट्रोफिज़िक्स भी है, जिसके अंदर हम स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज़ के साथ इनके बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स में स्टार की बर्थ और डेथ के साथ साथ ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा जैसे मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को भी डिस्कस किया जाता है। ये फिज़िक्स की कुछ अहम ब्रांचेस थी। इस चैनल के ऊपर हम फिज़िक्स और इससे रिलेटेड बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।